दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव सिकरवार आपके लिए एक छोटी वीडियो बना रहा हूं और ये वीडियो आम जनता के लिए, पुलिस वालों के लिए और नए वकीलों के लिए एक अच्छी वीडियो साबित होगी, तो आप इसको लास्ट तक देखिएगा। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा, एक कॉमन सी समस्या है कि कोई भी आम जनता, पब्लिक का कोई भी पर्सन जब पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस कह देती है कि आप हमें एक कंप्लेंट लिख के दे दीजिए। तो पब्लिक के आदमी को ये समझ नहीं आता कि मैं कंप्लेंट में क्या लिखूं और किस सीक्वेंस में मैं कंप्लेंट को ड्राफ्ट करूं। और उसी तरीके से जब कोई पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है तो उसको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है किसी गवाह का, किसी विटनेस का, तो उसे यह समझ नहीं आता कि मैं स्टेटमेंट कैसे शुरू करूं, स्टेटमेंट में क्या लिखूं जो मेरा एक स्टेटमेंट कंप्लीट स्टेटमेंट हो जाए, अच्छा स्टेटमेंट हो जाए। इसी तरीके से जो एडवोकेट्स होते हैं उनको भी अपनी अगर किसी भी केस को शुरू करना होता है तो वो किसी ना किसी गवाह के एक स्टेटमेंट से ही शुरू करना पड़ता है। आप एक FIR ही ले लें तो कोई ना कोई FIR, सारी FIR किसी ना किसी गवाह के स्टेटमेंट पर ही दर्ज की जाती हैं। तो इसीलिए गवाह का स्टेटमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो उस स्टेटमेंट को, उस कंप्लेंट को कैसे ड्राफ्ट किया जाए, उसमें किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, और एक उसके लिए मैं एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताना चाहता हूँ। उसमें कुछ चीज़ें और ऐड हो सकती हैं बट ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा जो अगर आप इतना ध्यान रख लिया आपने तो एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट, बहुत अच्छी कंप्लेंट आप ड्राफ्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मैं शुरू करता हूं कि स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी स्टेटमेंट को अगर रिकॉर्ड करना चाहते हैं, कंप्लेंट को ड्राफ्ट करना चाहते हैं, तो उसमें आप 5 बातों का ध्यान रखें। मैंने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं, पहले मैं पार्ट एक साथ बता देता हूं, फिर एक एक करके उसको आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला पार्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेस। जिस गवाह का, जिस विटनेस का आप बयान लिखना चाहते हैं, जब अपनी कंप्लेंट देना चाहते हैं तो आपका एक आइडेंटिफिकेशन होता है। वो आपका आइडेंटिफिकेशन उस स्टेटमेंट में या उस कंप्लेंट में आना चाहिए। और जब पुलिस किसी गवाह का बयान लिखेगी तो ये आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में आएगा। वो कैसे आएगा वो आगे भी मैं लिख के बताऊंगा अभी आपको। दूसरा पार्ट, तो पहला पार्ट क्लियर हुआ कि वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ विटनेस होगा, विटनेस की पहचान बताएगा पहला पार्ट। दूसरा पार्ट प्रोविजन ऑफ लॉ के बारे में बात करता है। ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप प्रोविजन ऑफ लॉ नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा, और कंप्लेंट ड्राफ्ट करते समय तो ये दूसरा पॉइंट जरूरत भी नहीं पड़ती है। जब पुलिस कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही होती है तब प्रोविजन ऑफ लॉ की जरूरत पड़ती है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब आप इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर देते हैं तब उसके बाद जिस विटनेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन आपको 2 से 3 लाइन में दे देना है। 2 से 3 लाइन में उस विटनेस का इंट्रोडक्शन आपने देना है। सीक्वेंस ध्यान रखें, सबसे पहले अगर बयान लिख रहे हैं आप किसी गवाह का तो पहले आइडेंटिफिकेशन आएगा उसका, फिर उसका इंट्रोडक्शन आप 2, 3, 4 लाइन में आप बता सकते हैं, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। इसका पर्पज क्या है वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे आपको। फिर चौथा पार्ट मैंने बनाया है कि वो मेन बॉडी होगी किसी स्टेटमेंट की या किसी कंप्लेंट की, मेन बॉडी होगी चौथा पार्ट। और इस मेन बॉडी में जो गवाह कहना चाहता है, जिस गवाह का आप बयान लिखना चाहते हैं, वो गवाह जो बयान देना चाहता है, उस बयान को उसकी ही भाषा में एज इट इज आपने यहां पे लिखना है और वही स्टेटमेंट की मेन बॉडी कहलाएगी। अब प्रॉब्लम आती है कि मेन बॉडी को ही हम कैसे ड्राफ्ट करें, तो मेन बॉडी को और आसान करने के लिए मैंने कुछ बातों को यहां पे लिखा है, आप उन्हें ध्यान से देखें। मेन बॉडी में एटलीस्ट आपको इन 5 बातों के ऊपर लिखना है। जब कोई विटनेस बोलेगा तो इन 5 बातों के बारे में वो जरूर बोलेगा। इनमें से 5 हो सकती हैं,
इनमें से चार हो सकती हैं, इनमें से तीन हो सकती हैं, वो सरकमस्टांस टू सरकमस्टांस, मैटर टू मैटर डिफर करेंगी, वो आप देख लीजिएगा। तो क्या क्या बातों के बारे में बोलेगा गवाह? कि वहां पे किसी ना किसी पर्सन के बारे में बताएगा, वो किसी व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा कि उसने किसी व्यक्ति को देखा, क्या किया उसने, कैसे किया उसने, वो व्यक्ति के बारे में जरूर कुछ ना कुछ बताएगा। दूसरा, किसी वस्तु के बारे में बताएगा, थिंग्स के बारे में कुछ ना कुछ बताएगा। तीसरा, किसी प्लेस के बारे में बताएगा कि किस प्लेस की घटना है, किस प्लेस पे उसने क्या देखा, किस स्थान पे उसने क्या सुना। उसके बाद में अगर पर्सन की बात करते हैं तो वो इंजरी बता सकता है। मोस्टली जब पुलिस के पास केसेस आते हैं तो या तो वो हर्ट के केस आते हैं, चोट के केस आते हैं, या फिर प्रॉपर्टी के डैमेजेस के केस आते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज कर दी जाती है उसके केस आते हैं। अगर चोट का केस है और पर्सन की बात कर रहे हैं तो वहां पर्सन विक्टिम भी हो सकता है, पर्सन क्रिमिनल भी हो सकता है। तो विक्टिम है तो उस पर कैसी इंजरी आई है, कैसी चोटें लगी हैं, उसके बारे में भी बताना है तो बताना है, नहीं है तो लिख देंगे कि कोई चोट नहीं थी। और अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं, थिंग्स की बात करते हैं, तो वहां पे डैमेज बताना होगा कि वो कैसा है। इन पांच बातों का वर्णन, इन पांच बातों का, पांच बातों को आपने एक्सप्लेन जरूर करना है अपने स्टेटमेंट की बॉडी में। अब इनका क्या करना है, कैसे लिखना है, इनके बारे में मैं फिर आगे बताता हूं। अच्छा, उसको बताने से पहले एक लास्ट पोर्शन है स्टेटमेंट का, प्रेयर। सबसे लास्ट में दो लाइन में, मैक्सिमम थ्री लाइन में आपको यह बताना है कि वो विटनेस चाहता क्या है। उस विटनेस ने अपना जो गवाह, अपना जो बयान दिया है वो चाहता क्या है, कि मैं पुलिस से या कोर्ट से क्या प्रार्थना कर रहा हूं, उसकी प्रेयर क्या है। वो प्रेयर आपको लास्ट में दो या तीन लाइन में आप लिख दीजिए तो आपका एक स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बातें कैसे लिखी जाएंगी, आइडेंटिफिकेशन कैसे लिखा जाएगा, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा, मेन बॉडी में ये पांच बातों को कैसे लिखा जाएगा और प्रेयर कैसे लिखी जाएगी, वो मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। ये मेन बॉडी में पांच बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनका क्या करना है, इनका आप ध्यान रखिएगा, इनका हमें आइडेंटिफिकेशन लिखना है। इनका आइडेंटिफिकेशन लिखना है, इनकी पहचान आपको बतानी है। जहां जहां किसी व्यक्ति का जिक्र आए स्टेटमेंट में तो उस व्यक्ति की वहीं पे उसी लाइन में जहां पे आप व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, सपोज आप ये कहते हैं कि रमेश ने ये किया, तो रमेश के साथ ही आपको रमेश की पहचान लिख देनी है। गवाह जो जो पहचान बताए रमेश की, वो सब रमेश के साथ ही लिख देना है। किसी वस्तु की बात बताता है, कहता है मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो मोबाइल शब्द लिखते ही मोबाइल की आइडेंटिफिकेशन आपने वहां पे लिखनी है। जगह की बात बताए कि कौन सी जगह पे, कनॉट प्लेस में चोरी हुआ, तो कनॉट प्लेस में कहां, उस प्लेस का आइडेंटिफिकेशन लिखना है। कुल मिला के यहां पे ये जितनी भी बातें मेन बॉडी में, जब जब आप पर्सन की बात करेंगे तो वहीं पे आप उसका आइडेंटिफिकेशन लिख देंगे, जब जब आप किसी थिंग्स की, वस्तु की बात करेंगे तो उसका आइडेंटिफिकेशन वहीं पे लिख देंगे, प्लेस की बात करेंगे तो भी वहीं पे आप उसका आइडेंटिफिकेशन लिख देंगे, इंजरी की बात करते हैं, चोट की बात करते हैं तो वहां पे बता देंगे कि चोट कितनी है, कैसी है, जितना बता सकते हैं उसके बारे में उतना आप, जितना गवाह बता रहा है उतना तो उसे बताने दे, और जितना आप पूछ सकते हो क्वेश्चन डाल के उसको, तो क्वेश्चन डाल के इंजरी के बारे में पूछ लें। ऐसे ही किसी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हुआ है तो उसके बारे में। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पे अगर आप लिखना चाहेंगे, कई कई केसेस में जरूरत पड़ जाती है, वो होती है डायरेक्शन। दिशा बतानी होती है, कभी कभी एक्सीडेंट के केसेस में ये बहुत जरूरत पड़ती है, तो एक्सीडेंट के केसेस में आपको दिशा का भी ध्यान रखना है। ये हो गई बेसिक सी बातें कि किसी स्टेटमेंट में क्या चाहिए। अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उस दूसरी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किसी भी विटनेस का आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या लिखना होगा और उसका पर्पज क्या है। ये भी बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन के लिए आपको क्या क्या लिखना है दो तीन चार लाइनों में।
पर्पज क्या है उसका ये भी बताऊंगा। तीसरा मेन बॉडी एक मैं एग्जाम्पल लिख के बताऊंगा आपको कि आपको किस तरीके से पर्सन का आइडेंटिफिकेशन, थिंग्स का आइडेंटिफिकेशन, प्लेसेस का आइडेंटिफिकेशन, इंजरीज डैमेज का आइडेंटिफिकेशन और डायरेक्शंस कैसे लिखेंगे और फिर लास्ट में आप उसकी प्रेयर कैसे लिखेंगे। ये सीक्वेंस आपको एक बारी रट लेनी है। जब आप ये सीक्वेंस रट लेंगे तो आप ये मानिएगा कि आपको बेसिक किसी भी स्टेटमेंट को लिखने का, किसी भी कंप्लेंट को ड्राफ्ट करने का आपको बेसिक आ चुका है। उसके आगे थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको, तो अगली वीडियो जब आप देखेंगे तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो चुका होगा और एक बेस्ट स्टेटमेंट। और जो भी इस वीडियो, इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद जब आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें, तो आपने कभी पहला या कभी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया उसको और आप अपने नए स्टेटमेंट को जरा कंपेयर करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने पीछे क्या गलतियां की थी, वो गलतियां आप अब इंप्रूव कर चुके होंगे। तो देखते रहिएगा और अगली वीडियो भी जरूर देखिएगा। और आपको ये सब अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लीगल लैंप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने जैसे साथियों को प्लीज मेरी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि नॉलेज सभी लोगों के पास पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।